नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। देश के सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन आज दिनांक 7 मई 2023 को हुआ। दरभंगा में 7 जगह पर नीट की परीक्षा सेंटर था। छात्रों के लिए परीक्षा से संबंधित गाइडलाइंस पहले ही जारी की जा चुकी थी। केंद्रों पर पहुंचे छात्रों के लिए बेहद सख्ती दिखाई दी। दरभंगा में नीट के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से तकरीबन 5:20 में परीक्षा देकर बाहर जाने लगे। जिला स्कूल केंद्र में प्रवेश के समय दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया, जैसे जूता बेल्ट पहनकर अंदर नहीं जाने दिया गया। जो परीक्षार्थी जींस पहनकर आए उनसे भी जींस के बटन तोड़ने के लिए कहा गया। कुछ परीक्षार्थी बाजार से लोअर खरीद कर ले आ रहे हैं और कुछ जूते उतारकर नंगे पैर परीक्षा केंद्र में जा रहे थे। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद बच्चे काफी खुश नजर आए, वहीं कई बच्चे काफी दुखी नजर आए। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा? क्वेश्चन ठीक ही था, जो पढ़ने वाले बच्चों को उनके लिए आराम से निकल रहा है, मसले वाली बात नहीं। अच्छा, लेकिन इस मरतबा बायोलॉजी का क्वेश्चन टाइप थोड़ा चेंज था। हर मरतबा स्टेटमेंट ज्यादा पूछी, मतलब स्टेटमेंट कम पूछा। जितनी तैयारी किए थे आप लोगों के हिसाब से कैसा प्रश्न आया इस बार? क्वेश्चन तो ठीक था, आराम से इंशाल्लाह हो जाए। कैसा रहा एग्जाम आपका? पेपर भी ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। केमिस्ट्री का थोड़ा सा ट्रिकी लगा, फिजिक्स भी बहुत टफ नहीं करने वाले, इजी थे। कुछ क्वेश्चन गलत नहीं हुए तो उम्मीद है कि हो जाएगा। नाम आपका? दीक्षा। तैयारी आप लोगों ने की थी, उस हिसाब से क्वेश्चन किस तरह था? क्वेश्चन इजी था। क्या लगता है 720 में से आपको कितने अंक आ जाएंगे इस बार? पूरा तो अटेम्प्ट नहीं किया, बट फिर भी 400 प्लस। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? नाम आपका? सेंटर पर सुविधाएं कैसी थी? तैयारी की थी, PW से मैंने तैयारी किया था नीट फास्ट ट्रैक वैसे। इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? सर सबसे सेम से मिलता है, बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन बनाना होता है, फिजिक्स से 45 क्वेश्चन बनाना होता है, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन बनाना होता है। टोटल 180 क्वेश्चन होता है और 720 का पेपर होता है। क्या उम्मीद है आपको 720 में कितना आप अंक ला पाएंगे? उम्मीद है सर 400 तक जाएगा। आपका नाम? सही था, बायो में थोड़ा आसानी हुआ, बायो थोड़ा इजी था। क्या लगता है 720 में आपको कितने अंक आएंगे? ज़्यादा से 420 तक हम आने वाले हैं। 420 इस बार सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं? नाम? किस तरह की सुविधाएं थी वहाँ पे? सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सही लगा। अगर मैं पढ़ के आता अच्छे से तो क्वेश्चन और भी इजी हो सकता था, लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी था, लेकिन अच्छा क्या किया। आपके हिसाब से आप लोगों ने जिस तरह तैयारी की थी उस हिसाब से कैसा क्वेश्चन आया था? इजी था, बहुत इजी था क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन छूटा भी तो टाइम के को लेके और थोड़ा सा नर्वसनेस के कारण छूटा, और सब बेटर था। और एक अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर ध्यान दिया जाए तो किस सब्जेक्ट से था? फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, किस? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था जूलॉजी से, क्योंकि मेरा ज़्यादा बेस्ट है वो। और सब क्वेश्चन भी अच्छा था, बॉटनी से भी अच्छा क्वेश्चन था, फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगा और मैं तो ठीक था। क्या उम्मीद है 720 से कितने मार्क्स आपको आ जाएंगे? फर्स्ट अटैम्प्ट है तो हम ज़्यादा नहीं, लेकिन 300 से 400 बस। क्या नाम हुआ? सत्यम झा। ओवरऑल कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? ओवरऑल तो शायद ठीक ही रहा, बट प्रैक्टिस एक्चुअली था क्या, हम लोग प्रैक्टिस किए थे, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आए, बट लेकिन क्वेश्चन इजी ही था कंपेरेटिवली, तो वो सब इजी वाले क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट है मुझे। अच्छा, किस लेवल से ज़्यादा था? किस क्वेश्चन में आउट ऑफ एनसीईआरटी था? अच्छा, एक दो। आप जो तैयारी किए उस तरह कैसा लगा आपको एग्ज़ाम देने के बाद? तैयारी कैसी थी? हाँ, अच्छी थी, और अगर अच्छा से छोटे छोटे डिटेल्स एनसीईआरटी से देख पाते तो और ज़्यादा बेटर। क्वेश्चन का कौन सा पोर्शन सबसे टफ लगा आपको? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का? मैं कौन सा टफ लगा? टफ तो कोई नहीं था, कम कहाँ कह सकते कि टाइम टेकिंग था। इजी कौन सा लगा? इजी कौन सा पार्ट ज़्यादा इजी लगा? फिजिक्स ज़्यादा इजी लगा। फिजिक्स ज़्यादा इजी। 720 में से कितने मार्क्स उम्मीद रखते हैं? 600 है। नाम आपका? मनीष।